मुश्किल है। दर्शक जन आपसे निवेदन है, आप लाइन से छोड़ कर बैठे, आप लाइन छोड़ रहे हैं। दर्शक जन आपसे निवेदन है, आप समझ रहे हैं, आप मर्यादित दर्शक हैं, आप निश्चित रूप से लाइन के बाहर बैठे। अरे बस फिर से वहां पर मुकाबला दोनों के बीच चलता हुआ, विक्रमशिला कहलगा और रोहनसा के बीच 10 नंबर में राजा, 10 नंबर में वहां पर रवि बॉल को लेते हुए, लेकिन बॉल फिर पास बनाया था प्रसादित रवि, लेकिन नीचे के बॉल बिल्कुल मैदान के बीचों बीच चलता हुआ दोनों खिलाड़ियों के बीच। अब कसम कस, अब दोनों ही टीमों के लिए ये काफी रोमांचक स्थिति है। अब देख रहा है कि अगला स्कोर कौन कर पाते हैं। 10 नंबर के रवि ने बॉल को खेला था लेकिन बल्ले नहीं चुके, लेकिन लंबे कट के वहां पर श्याम सुंदर ने बॉल को रोक सादी खिलाड़ी राइट कॉर्नर को खेलने का प्रयास, लेकिन बॉल फिर वापस किया बीच मार निर्णायक की अचूक नजर कहीं जाएगी और यहाँ पर ऑफ साइड में पकड़े गए, क्योंकि जो ही बॉल डाला गया था वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, निश्चित रूप से साफ सुथरी ऑफ साइड में पकड़े गए और उसे फ्री किक का लाभ मिला है वहां पर ममलखा को। ममलखा के वहां पर 2 नंबर में श्याम सुंदर काफी लंबे कट के अपने साथी खिलाड़ियों को निगाहों से ढूंढा और पास भी बढ़ा, लेकिन हेडर के जरिए उतना ही अच्छा वहां पर रिटर्न पास करने का प्रयास का बॉल चली गई है दक्षिण साइड लाइन के बाहर, पॉइंट का मौका वहां पर विक्रमशिला कहलगांव को पास बनाया, बहुत ही अच्छा 7 नंबर के जो सुने, लेकिन वहां पर बॉल को रिटर्न किया गया वहां पर ममलखा के द्वारा और अभी भी बॉल कहलगांव खिलाड़ियों के पास, कहलगांव खिलाड़ी अच्छा पास आ रहा है फिर से वापस चुके वहां पर दो बार विक्रमशिला कहलगांव के विरुद्ध, तो निश्चित रूप से फिर से वहां पर थ्री किक का मौका मिला है ममलखा को, दोनों ही टीम एक एक की बराबरी पर इस करने का प्रयास, एक बार फिर से वहां पर पास बढ़ाया साथी खिलाड़ियों, 8 नंबर के दर्शन छोड़ खिलाई सूरज के लिए और सूरज दोनों का अच्छा प्रयास है, गिरते हुए जमीन में साथी खिलाड़ियों का प्रयास करता है, फिर से बॉल छीन ली गई है विक्रमशिला कहलगांव को, दोबारा कहलगांव ने पास बढ़ाया था अपने साथी खिलाड़ी, लेकिन एलएम चूंकि काफी पीछे रह गए थे, ऐसी में फिर से कहलगांव खिलाड़ी बॉल को अटैक करने का पड़ा अपने, लेकिन वहां पर लंबा शॉट अब देख रहा है 7 नंबर के दर्शन पाते हैं, काफी आ गए थे बार बार ये देखने को मिल रहा है और यहाँ पर अपने नायक के रिटर्न पास किया था बैक पास के साथ माइकल ने जो कैच दिया बहुत ही अच्छा प्रयास, लेकिन फिर से वहां पर 7 नंबर के में रवि ने अपने लेकिन फिर वो बॉल को गोल में तब्दील, उसने हाथ लिया था जो बॉल कहां पर जाएगी निश्चित रूप से सेकंड पॉइंट पे जा रही थी और वैसा ही जमीन के सहारे बॉल को ट्रैक किया तो अपने टीम के लिए इससे होने से बचाया, निश्चित रूप से अगर ये स्कोर हो जाता तो काफी मशक्कत करनी पड़ती नंबर का, तो लेकिन कर दिया रवि ने अपने साथी खिलाड़ी को निराश से ढूंढा, दो तो खेलो ड्रिलिंग के करने के बाद अपने साथी खिलाड़ी देने का प्रयास, लेकिन बहुत ही लंबे दूर से बॉल को ले आते हुए बॉल छीन लिया गया वहां पर ममलखा खिलाड़ियों के द्वारा और बार बार ममलखा कभी कहलगांव ममलखा कभी कहलगांव होता हुआ एक बार फिर से ममलखा खिलाड़ी कहलगांव खिलाड़ी 6 नंबर के जैसे 9 नंबर को बढ़ाया पर रविंद के लिए और रवि ने निगाह से रोना, देखते हैं धीरे धीरे बॉल को लेकर आगे बढ़ाया फिर से खेला है शादी के लिए, लेकिन वहां पर बॉल काफी तेज गति से निकली है पश्चिमी गोल लाइन के बाहर और बॉल लेने में चुके वहां पर 7 नंबर के जैसे राजू और इसी बीच वहां पर बॉल को सही स्थान पर रखते हुए गोलकीपर पीयूष ममलखा के और सेकेंड हाफ में थोड़ा सा काफी तेज खेल देखने को मिला है, जबकि 16 मिनट के बाद जो पहला गोल हुआ उसके बाद थोड़ा सा तेज खेल देखने को मिला है दर्शकों को, यहाँ पर एक बार पुनः वहां पर 4 नंबर की जर्सी में सजे रविंद्र कुमार बॉल को लेकर के आगे बढ़ते हुए और इसे देख हमारे निर्णायक की जोरदार बेसिल ये पैरों का गलत हरकत करते हुए आप पकड़े गए हैं भाई और ठीक उतनी ही दूरी पर फिनकी का मौका मिला है वहां पर, हाँ देखना है कि क्या कुछ कर रहा था,
बदलता हुआ।